अपना जो स्कोर कार्ड बनाना है, तो स्कोर कार्ड के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हर एक पॉइंट को एक बार हम समझा रहे हैं आप लोग को, जिसको ठीक से समझ लेना है। जैसे पहला पॉइंट है, पहले हेडिंग समझ लेते हैं। ये स्कोर कार्ड 2021 मार्च हो जाएगा और स्टोर का नाम। उसके बाद अब यहाँ सीरियल नंबर है, उसके बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो जाएगा रिटेल, सब डिपार्टमेंट हो जाएगा कि एचआर का कुछ पॉइंट होगा, कुछ एडमिन का पॉइंट होगा, कुछ आपका मार्केटिंग का होगा, कुछ एससीएम का होगा। तो इस तरह ये सब डिपार्टमेंट हो जाएंगे और सब डिपार्टमेंट टू हो जाएंगे कि कोई सेल्स से होगा, कोई ऑपरेशन से होगा। तो ये सारे इसके पॉइंट से आप बन जाएंगे। ये सारा हम लोग आपको एक तरह से भर के दे रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हेड आपको पूरा भरा हुआ मिलेगा, नीचे तक जितने भी पॉइंट्स हैं। पांचवा है फिर पैरामीटर्स, कि जितने भी जो पॉइंट्स है उनमें किन पैरामीटर्स पे स्टोर को अपना प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली। हर मंथ हम जो अपना मंथली प्रेजेंटेशन देते हैं, रिव्यू करते हैं, तो ये पूरा, ये जितना भी इसमें पॉइंट्स है, ये सारे पैरामीटर्स मंथली एक बार हर मंथ को आपको इसका प्रेजेंटेशन देना है कि मंथ जब स्टार्ट हुआ था तब आप कहाँ थे और मंथ एंड में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा। इसके बेस पे ही कोई भी स्टोर को फिर हम मार्किंग करेंगे, उसके स्टोर मैनेजमेंट का नंबर देंगे। सबसे पहले कि एक्चुअल लास्ट मंथ क्या था, एक्चुअल लास्ट मंथ क्या था, इस महीने करंट मंथ का बजट क्या है और करंट मंथ एक्चुअल क्या है, और नेक्स्ट मंथ, एनएम का मतलब है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के लिए बजट क्या है। बजट मतलब हो गया आपका टारगेट। जब हम इन सारे पैरामीटर पे आपका रिव्यू करेंगे तो साथ के साथ आपका हम इसको टारगेट भी देंगे। यही टारगेट जो बजट नेक्स्ट मंथ है, अगली बार जब आप इसको भरना शुरू करेंगे तो बजट करंट मंथ में बदल जाएगा। जो अभी हम बजट नेक्स्ट मंथ देंगे, अगले महीने जब बनाओगे तो ये सारा कॉलम कॉपी होके बजट करंट मंथ में बदल जाएगा। अचीवमेंट परसेंटेज हो जाएगा और ग्रोथ डीग्रोथ लास्ट ईयर सेम मंथ से हम लोग चेक करेंगे। और ये पूरा चेक करने के बाद आपका मार्क्स, कि लास्ट मंथ कितना मार्क्स मिला था और इस मंथ के रिव्यू में आपका कितना मार्क्स मिला है, और टोटल हो जाएगा बाई टीडी। और लास्ट में आपको अपना ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, फीडबैक डालना है। अब आ जाते हैं पहला पॉइंट, कि मान लो कि यहाँ बनारस का स्टोर है, तो बनारस का स्टोर क्या करेगा, एसओपी चेकलिस्ट पहले देखेगा कि एसओपी चेकलिस्ट में मेरा स्कोर क्या है। इसको भरने में एक मिनट का टाइम लगेगा। जैसे सबको जो वो करते होंगे, हर एक स्टोर अपना एसओपी कंप्लायंस चेक करता है, तो एसओपी कंप्लायंस में जाकर जब चेक करेंगे तो टीडी मेरा कंप्लीशन और कंप्लायंस कितना परसेंट है मुझे पता है। तो यहाँ देखिए ये खुल गया एसओपी कंप्लायंस। यहाँ जाने के बाद बनारस अपना स्टोर देखेगा और बनारस का जो एमटीडी कंप्लायंस है, ये एमटीडी कंप्लायंस है 86%। एमटीडी कंप्लायंस कितना है, 86%। यानी मार्च में, ये तो अप्रैल का है, मार्च वाला खोल लेगा, मार्च का जो 31 मार्च का जो उसका एमटीडी कंप्लायंस है वो पूरे मंथ का कंप्लायंस होगा। तो उस सीट में आप चले जाओ, समझ गए होगा आप मेन सीट। तो एक्चुअल करंट मंथ है वो हो जाएगा 86%। डालो 86% आ गया एक्चुअल करंट मंथ। लास्ट मंथ जब जाओगे तो आप फरवरी का लास्ट में उठाओगे, 28 फरवरी का, तो उसमें भी आपका एमटीडी कंप्लायंस आ जाएगा। हो सकता है उसमें होगा 90%, तो डालो 90%। अरे जाओ, समझ गया ना, एक एग्जांपल से तो समझ ही गया। तो 90% मान लो कि फरवरी एंड में था, बजट हमारा होना चाहिए 100%। हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा एसओपी 100% फॉलो होना चाहिए, तो इसका बजट कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो एक्चुअल लास्ट मंथ था 90%, बजट करंट मंथ का कितना है 100%, लेकिन एक्चुअल करंट मंथ कितना है 86%। अब इसका जो परफॉर्मेंस है,
अचीवमेंट परसेंट कितना हो गया 86%, इस महीने का अचीवमेंट कितना हो गया 86%। अब लास्ट ईयर सेम मंथ अगर डेटा अवेलेबल है तो आप डालेंगे लास्ट ईयर, क्योंकि ऊपर कंप्लायंस तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं तो आराम से हमें लास्ट ईयर का भी मिल जाएगा। तो लास्ट ईयर जो ऊपर कंप्लायंस था वो 98% था, लास्ट ईयर कितना था 98% था। अब 98% था और अब ये घट के कितना हो गया 86%। सभी के लिए 100%, तो इस केस में 100% डालो। अब देख लो लास्ट ईयर से ग्रोथ डी ग्रोथ निकाला 12% हो गया, ठीक है। अब लास्ट मंथ, अब जैसे इस मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी लास्ट मंथ का नंबर आपने जो भी दिया है स्टोर को वो डालना है, ठीक है, क्योंकि हम तो एवरी मंथ रिव्यू कर ही रहे हैं और नंबर भी दे रहे हैं, तो नंबर आप इसमें डालोगे। करेंट मार्क्स जो दिस मंथ मार्क्स है वो आप अभी हम लोग डालेंगे। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट मंथ था कितना 90%, तो हम जो नंबरिंग सिस्टम है हम मान के चलते हैं कि मिनिमम 90% एसओपी कंप्लायंस होना चाहिए, और 10 नंबर का अगर मार्किंग होता है तो मान के चलते हैं कि अगर 90% है तो 5 नंबर फिर भी दिया जा सकता है, 95% होगा तो 7.5 नंबर, 100% में 10 नंबर। तो इस केस में लास्ट मंथ तो इसको फिर भी मिला होगा 5 नंबर, लेकिन अब इस महीने कितना मिलेगा 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि उसका बिलो 80-90% है। और अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आता है, अब इसको खाली इतना भर के छोड़ना नहीं है, मेन कहानी इसके बाद शुरू होती है कि लास्ट ईयर 98% था, लास्ट मंथ भी ठीक था, और हर मंथ ये मतलब कि मतलब इसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 98% था, लास्ट मंथ भी 90% तक था, अब घट के 86% आ गया है, तो मतलब स्टोर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि एसओपी का ही अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब बहुत तरह का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहां रिमार्क्स आपको लिखना पड़ेगा और ये क्रक्स रहेगा, यहां जो आप रिमार्क्स लिखेंगे इस पूरी जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका क्रक्स रहेगा। आपको रिमार्क्स कहां लिखना है, उस शीट में जाएंगे एसओपी कंप्लायंस में, जो एसओपी कंप्लायंस की शीट थी वहां जाएंगे, और हम किसी भी रिपोर्ट का जब रिव्यू करेंगे और अपना रीजन और एक्शन वो सारा कहां डालेंगे, उस रिपोर्ट में डालेंगे। जैसे वो ऊपर कंप्लायंस का जो रिपोर्ट था, अब जैसे यहां बनारस का ये ऊपर कंप्लायंस का रिपोर्ट खुल गया तो इसमें सारे डेजिग्नेशंस के अपना एसओपी कंप्लीशन और कंप्लायंस के परसेंटेज है। अब 86% अगर कंप्लायंस है तो अब इसमें हमें देखना होगा कि किसका कंप्लायंस सबसे लो है, आखिर इतना कम कंप्लायंस होने के पीछे क्या कारण है। तो आपको यहाँ इसके आगे क्या डालना होगा, एक कॉलम इंसर्ट करना होगा और इसमें डालना होगा रिमार्क्स। जैसे कि जब इसका रिव्यू करने जाएंगे तो देखेंगे कि 100% है एएसएम चेकलिस्ट, 94% है फिर भी ठीक है, हेड कैशियर का भी ठीक है, और आगे बढ़ो डीसी हेड का भी ठीक है, फ्लोर मैनेजर का स्थिति सबसे खराब है, बाकी का एसओपी कंप्लायंस फिर भी 95% से ऊपर है, लेकिन जो फ्लोर मैनेजर है और सीएसडी है उसका कंप्लायंस बहुत ही खराब है, 79% एफएम का कंप्लायंस है और सीएसडी का 50% कंप्लायंस, और हमारा तो स्टोर का जो एक और डिस्प्ले से ही सेल है, तो जब डिस्प्ले एरिया का जो डिस्प्ले एरिया देख रहा है उसी का कंप्लायंस इतना कम है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरा स्टोर डेंजर स्थिति में है, ठीक है। और दूसरा इस पे कोई क्या एक्शन आपने लिया है, क्या ले रहे हैं, क्या कारण है इतना कम कंप्लायंस होने का, आपको ये अपना यहाँ फाइंडिंग और रिमार्क्स देना है, ठीक है जी। और टारगेट जो हमने 100% ऊपर लिया वो स्टोर का लिया, तो ऐसे ही खाली टारगेट ले लेने से 100% नहीं होगा, उसमें जो बॉटम परफॉर्मेंस कर रहा है उसका पहले परफॉर्मेंस सुधारना होगा, तब वो ऑटोमेटिक 100% पे जाएगा।
अब जैसे इसमें एएसएम का 100% है, एएसएम का भी शायद 100% था, तो उनमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा? वो तो कंटिन्यू उसको करेंगे, परफॉर्मेंस हमें सुधारना होगा फ्लोर मैनेजर का और सीएसडी का। ये इंश्योर करना होगा कि ये दोनों अगर इस महीने 100% करेंगे तभी हम 100% अचीव करेंगे और बाकी लोग भी इसको कंटिन्यू करेंगे अपने परफॉर्मेंस को। तो यहाँ रिमार्क्स चाहिए बनारस का, और ये किसकी, ये बनारस के स्टोर मैनेजर का यह जिम्मेदारी है कि वो दोनों में लिखेगा कि इसका परफॉर्मेंस, इसका एसओपी कंप्लायंस कम होने के पीछे क्या कारण है और वो क्या एक्शन टेकन ले रहा है। और हम यहाँ से एज ए क्लस्टर में जब फिर ये देखेगा कि अगर अगले महीने भी इसमें परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता है तो फिर हम कोई भी एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे, ठीक है, क्योंकि एसओपी कंप्लायंस सबसे मेन प्रायोरिटी है। तो आप कहां रिमार्क्स लिखना है सब समझ गए, यहां लिखना है और यहां एक्शन टेकन। अगले महीने जब हम आएंगे तो ये देखेंगे कि आपका 86% से कितना ऊपर गया, और 86% में जैसे जो क्रक्स है, जो उस सीट में जाओ मेन सीट में, तो मेन सीट में रिमार्क्स ये लिखेगा बनारस का स्टोर मैनेजर कि मेरे फ्लोर मैनेजर का कंप्लायंस और सीएसडी का कंप्लायंस 50% या 79% था, जिसके कारण ओवरऑल मेरा स्टोर का कंप्लायंस कम था, मैं ये एक्शन टेकन ले रहा हूं जो कि मैंने कंप्लायंस वाली सीट में अपडेट किया है और अगले महीने मैं इसको 100% टारगेट अचीव करूंगा। तो ये क्रक्स, क्योंकि अब ललित जी अगर क्लस्टर मैनेजर है तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ क्रक्स चाहिए, फिर वो अगर हर सीट में जाके देखेंगे तो ये बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ ललित जी को दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, एफएम का परफॉर्मेंस बहुत खराब है और सीएसडी का परफॉर्मेंस खराब है, तो ललित जी के लिए क्या है, एक ट्रिगर हो गया कि यार यहाँ का फ्लो में आएगा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको वो एक बार बात भी करेंगे, समझेंगे भी, क्योंकि स्टोर ने तो जो करना था करके देगा, फिर ललित जी का भी यहाँ वैल्यू एडिशन आएगा कि आगे फ्लो आपको हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरा है लास्ट रिव्यू एटीआर पेंडिंग। अब जब ये पूरा आप रिव्यू करेंगे, जब पूरा मंथली हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद क्लस्टर करेगा अपने स्टोर का, तो जिस भी स्टोर का रिव्यू करेगा तो 20, 25, 50 ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे जो आप उसको टास्क असाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पहले ही पॉइंट किया तो 3-4 टास्क अपने आप इम्प्रूव फ्लो में, एसओपी कंप्लायंस एक टास्क हो गया, ठीक है, सीएसडी का कंप्लायंस इम्प्रूव करने के लिए, फिर चेक करने के लिए हमें क्लस्टर मैनेजर को भी डालूंगा कि भाई इतना कंप्लायंस आपका कम है, हर मंथ आप डीग्रो कर रहे हैं तो क्या कारण है, आप देख क्यों नहीं रहे। तो मान लो ये 3 टास्क इस तरह से करके अगर मैंने 30 टास्क दे दिया तो 30 टास्क के बाद अगले महीने हम ये भी देखेंगे कि इस महीने जो 30 टास्क मैंने दिया है उसमें उसका कंप्लायंस क्या है, 30 टास्क में कितना टास्क आपने डन कर दिया या कितना पेंडिंग है। तो यहाँ वही रहेगा, जितना टास्क आपको टास्क टेकर में डैशबोर्ड का स्कोर कार्ड का रिव्यू करने के बाद हमने आज असाइन किया है, जिसका भी जिस दिन रिव्यू करेंगे तो वो उसका हो जाएगा बजट फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जो 30 टास्क हमने असाइन किया तो वो उसके लिए बजट फॉर नेक्स्ट मंथ हो गया कि 30 टास्क जो है स्कोर कार्ड रिव्यू के बाद उसका करना है, और एक्चुअल करंट मंथ भी आ जाएगा 30 की 30 टास्क मैंने असाइन किया है, बजट नेक्स्ट मंथ के लिए भी 30 ही रहेगा कि 30 टास्क मैंने आपको दिया, 30 टास्क आपको कंप्लीट करना है। लास्ट ईयर सेम मंथ का अगर है डाटा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। और लास्ट मंथ का अगर कुछ है, लास्ट मंथ का तो होगा ही 100%, तो वो कर देगा। नया स्टोर है तो नया स्टोर लास्ट मंथ को जीरो कर देंगे, ठीक है, और यहाँ फिर कंप्लायंस आ जाएगा। जब अगले महीने आप दिखाने आएंगे तो बजट दिखाएगा 30 का और एक्चुअल आपने हो सकता है 25 किए हैं, तो 25 आएगा और उसका परसेंटेज निकल जाएगा कि ये 80% या 85% हमने कर दिया है। और यहाँ हाइपरलिंक का पहले कॉलम इंसर्ट और रिमार्क्स के पहले, और यहाँ क्या रहेगा आपका कॉलम हाइपरलिंक रहेगा, जो 30 टास्क मैंने असाइन किए थे टास्क टेकर में वो यहाँ हाइपरलिंक हो जाएगा टास्क टेकर, और वो 300 टास्क का प्रूफ के साथ आपका डन पेंडिंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है जी। और ये जो एसओपी कंप्लायंस में जो चेकलिस्ट में आप वहां लिखेंगे कि क्या रीजन था कि आपका लो कंप्लायंस रहा और क्या एक्शन ले रहे हैं 100% करने के लिए, वो सीट यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक हो जाएगा, ठीक है।
फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है सेल्स। सेल्स में फिर वही चीज है कि आपका टारगेट कितना था इस महीने का, आपने एक्चुअल कितना करा, क्या अचीवमेंट हुआ, नेक्स्ट मंथ का टारगेट क्या है। जैसे अप्रैल का हमने रिलीज कर दिया, अप्रैल का हमारा आरएक्सएल सेल प्लान बेटिंग हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट भी आपको पता है, तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट डाल देंगे। ये आपको भी पता होगा, आपके स्टोर को भी पता होगा। आपने नहीं भेजा है तो स्टोर में आज भेज देना, ठीक है जी। इसमें हर चीज में क्या है, कुछ ना कुछ आपका रिमार्क्स रहेगा, मतलब ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते जाना है। आपने एक्शन टेकन डाल दिया, उसके बाद सेल्स का है, तो सेल्स में ये अपने आप में बहुत बड़ा, कल भी मैंने समझाया था कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि लास्ट मंथ मेरा टारगेट कितना था, पटना है 5 करोड़, ठीक है, एक्चुअल कितना किया 5,72,00,000, ठीक है, अचीवमेंट मोर देन 100% हो गया। केवल इतना लिख के नहीं छोड़ना है जी, भर दिया हो गया नहीं। अब अगर मैंने 100% से ज्यादा अगर टारगेट अचीव किया है तो मैंने बहुत सारे ऐसे जरूर काम किए होंगे जिसके कारण हमने टारगेट अचीव किया है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंटेशन है, आप जैसा भर के दोगे वैसे ही हम उसी नजर से हम आपको देखेंगे। जैसे पटना के केस में अगर मैं रहूंगा तो मैं तो ये लिखूंगा कि 5,72,00,000 पिछले 4 साल का किसी भी महीने का हाईएस्ट सेल है, 2018, 2019, 2020 और 2021, ये पिछले 4 साल में, हो सकता है 2017 भी मैं चेक करूं तो भी हो सकता है कि उससे भी ये ज्यादा हो। पटना के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्लस्टर मैनेजर ने, रीजनल मैनेजर ने, जोनल मैनेजर ने कहीं ना कहीं तो कुछ बहुत अच्छा एक्टिविटी या सारी चीजों को अच्छा से प्लान किया है और उसका सेम स्टोर टीम ने उसको एग्जीक्यूशन किया है, तभी ऐसा टारगेट हम अचीव कर पाए। और जैसा कि मैंने बनारस के लिए भी बोला था कि 3,20,00,000 हाईएस्ट था और 3,30,00,000 हो सकता है ओपनिंग के बाद से अभी तक का हाईएस्ट हो। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपको ये भी बताना है और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो ये पता करना होगा। उसके बाद आप इसमें जरूर लिखेंगे कि इसको अचीव करने के लिए मैंने क्या क्या किया था और ये क्यों अचीव हुआ। जैसे होली का प्लान था तो सबसे लास्ट में आप नीचे आओगे प्लानिंग में तो उसमें आएगा फेस्टिवल इंफ्रा मैन पावर प्लान। तो सबसे पहले आपने प्लान अच्छा किया होगा, इंफ्रा प्लान कि कितने सिस्टम में चलाऊंगा, कैश काउंटर कितने चलाऊंगा, कैश काउंटर चलाने के लिए उसके साथ जो टूल्स है वो आपने प्रोवाइड कराए होंगे, सेल प्लान के अकॉर्डिंग आपने कैसे प्लान किया होगा, प्लान के अकॉर्डिंग रीप्लान भी किया होगा अगर सेल ज्यादा कम हुआ होगा तब। इसके अलावा पार्ट टाइमर का आपने अच्छे से कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, पार्ट टाइमर जितना लेना होगा उसको लेने के बाद उसकी एक्टिविटी के अनुसार आपने अच्छे से एलोकेट किया होगा, आपको स्टॉक बहुत अच्छा यहाँ मिल गया होगा, स्टोर ओपनिंग आपने रिप्लेनिशमेंट करने के लिए पहले खुलवाया होगा, देर रात तक खुलवाया होगा, तो ऐसे बहुत सारे काम आपने जो करवाए होंगे जो कि पेपर पे हमारे हैं भी, वो आप इसके सपोर्टिंग में क्रक्स में लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें आपने जो की होगी जो हो सकता है हमारी नॉलेज में नहीं है, आपको ये बताने का एक मौका है। अगर कोई स्टोर सोचता है कि यार मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं तो उसको जो हमें बताना है तो बताने का ये एक जरिया भी है, ये बताने का एक माध्यम भी है। इसको देखेंगे पढ़ेंगे हम तो हमें समझ में आएगा हाँ यहाँ का स्टोर मैनेजमेंट कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। तो कोई केवल ये ना करे कि यार टारगेट अचीवमेंट लिख दिया, अगले महीने का टारगेट लिख दिया, चलो आगे बढ़ो, तो उसका उसका एक्चुअली नुकसान है, फिर वो बहुत पुअर क्वालिटी दिखेगा या इंटरेस्टेड नहीं दिखेगा। तो मेरे को उम्मीद है सब लोग आप लोग समझाएंगे और हर पॉइंट में कुछ ना कुछ लिखेंगे कि किस कारण हमारी सेल अच्छी रही। सेम टाइम इसका उल्टा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टोर होंगे जिन्होंने हो सकता है 80% भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया होगा, तो वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने टारगेट अचीव क्यों नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण थे, कहां हमारी कमी रही। कोई स्टोर हमारा डीग्रोथ चल रहा है, इसमें सारा वही आएगा कि मेरे एरिया मेरा अगर क्लस्टर तक आएगा तो उसका क्लस्टर कितना ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है तो क्या क्या आपने काम किया जिसके कारण ग्रो कर रहा है, कोई डीग्रो कर रहा है तो डीग्रो करने के पीछे क्या कारण है, क्या हमने गलतियां करी है, और फिर उसको ग्रोथ में लाने के लिए हम क्या एक्शन प्लान बना रहे हैं।
तो ये भी टाइम टेकिंग है, ये नहीं कि बस भरा और चल गया। लेकिन फर्स्ट कट क्या है, ये पहले डेटा आप भर लो, फिर हर अब इसमें कहाँ जाएंगे, आर एक्सेल की अपनी शीट होती है यहाँ, इसमें तो टास्क टेकर लग गया जो हम आपको टास्क असाइन कर रहे हैं। फिर आते हैं सेल्स में, तो सेल्स में कहाँ जाएंगे, आर एक्सेल में जाएंगे या और कहाँ जाएंगे, MRST में जाएंगे। जो MRST में हम जाएंगे तो सारा हमारे को सेल दिखाएगा, चाहे डिवीजन वाइज देखना हो, सब डिवीजन वाइज देखना हो, मेजर कैट देखना हो, आप सीजन देखना हो, आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा मेजर कैटेगरी पे हो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिवीजन, कौन सा सब डिवीजन। सेम टाइम जो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसमें दिखेगा कि यहाँ लेडीज बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, या यहाँ किड्स बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, या कहीं मेंस बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, कहीं साइज के कारण परफॉर्मेंस खराब हुआ है। तो आपका यहाँ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ आना चाहिए कि हाँ मैंने ये, और ये मंथली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मतलब बहुत तरीके से आपके इन रिपोर्ट्स पे जाके बैठ के वर्किंग करना होगा, तभी आगे ग्रोथ भी आएगा, नहीं तो जो डिग्रोथ में जा रहा है वो डिग्रोथ में ही जाता रहेगा। ठीक है, फिर और ये क्या है ना, सेल्स एक ऐसा है, ये नीचे जो बहुत सारे पैरामीटर्स है उस पर जब आप काम करेंगे ना तो वो सारे जो काम है ना एक्चुअली इसी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आएगा। मतलब कोई अगर नीचे जाए जैसे ऐसे जाएगा, जो हम बातें जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्शन प्लान, तो वो सब नीचे है, आप सीधे उसको भी लिख सकता है कि हाँ जी सर मैंने इसमें साइज पे वर्किंग किया है, कलर पे वर्किंग किया है, सेगमेंट पे वर्किंग किया है, डिवीजन पे किया है, सब डिवीजन पे किया है, तो वो सारा का सारा आपको नीचे है। तो अब आ जाते हैं GM पे, तो GM में हमारा लास्ट मंथ कितना था, इस महीने कितना है, और अगले महीने का मेरा GM का प्लान क्या होगा, तो यहाँ GM पे आ जाएंगे, GM परसेंटेज ऑन सेल्स आ जाएगा। इन सब में ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं क्योंकि आप पे ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, अगर हम स्कीम चला देंगे तो जाहिर सी बात है GM कम हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। अब आ जाते हैं सेल्स PSF कि पर स्क्वायर फीट सेल कितनी है, तो पर स्क्वायर फीट सेल यहाँ आ जाएगा, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, जो सेल्स पे हम लिख रहे हैं पर स्क्वायर सेल्स भी वही चीज हो गया। GP